So, Radhe Radhe friends, once again this is Professor Dani Khandelwal and live from Mumbai. कल तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो किया था दैट वॉज फ्रेंड्स कि आपके पास अगर आपको न्यू कंपनी है और अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट ईपीएस, और हम लोगों ने इंडिफरेंस पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी किए थे, ओके, और प्रॉपरली हम लोगों ने किया था. लेकिन आज हम लोग करेंगे कि अगर कंपनी ऑलरेडी बिजनेस में है और उसको पैसे की ज़रूरत है. अभी दो तरह का है कैपिटल स्ट्रक्चर में, दो तरह का है, एक ओल्ड कंपनी और एक न्यू कंपनी. तो न्यू कंपनी वाले हम लोगों ने कर लिए थे, हाईएस्ट ईपीएस पे अपन ने डिसीजन लिया था. अब यहां पे ओल्ड कंपनी मीन्स ऑलरेडी उनके पास बिजनेस चल रहा है और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करें, वो डेप्ट में जाएं, इक्विटी इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सॉल्यूशन पैटर्न आपका क्या रहेगा, सेम. तो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर 5.15. क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 5.15 आप जरा देख लीजिए, राइट, निकालिए क्वेश्चन 11 पेज नंबर 5.15. क्वेश्चन 11 पेज नंबर 5.15 आप निकाल लीजिए फ्रेंड्स. ओके, कैन वी स्टार्ट. सपोज, तो पहले अपन वही, दिस इज योर नोट नंबर 1, आप गिवन करके लिख लीजिए तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा सब इंफॉर्मेशन, राइट. तो सपोज फ्रेंड्स, दिस इज सपोज दैट इफ फर्म हैज एन ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच, ऑलरेडी इसके पास है एट प्रेजेंट कंपनी के पास है 1 लाख नंबर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. सपोज दैट ए फर्म हैज एन ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स 10 ईच. द फर्म wants to raise 2,50,000. अब उसको कितना पैसा चाहिए, टोटल फंड अपने को चाहिए रुपीज 2,50,000. मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि what is the objective of a finance manager, right? What is the objective of a finance manager? Procurement of funds and its effective utilization. उसको कितना फंड का रिक्वायरमेंट है, 2,50,000, ठीक है. एंड कंसिडरिंग द 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके पास 3 तरह के ऑल्टरनेटिव हैं. दिस इज योर AL1, दिस इज योर AL2 एंड दिस इज योर AL3. द फर्म वॉन्ट्स टू रेज 2,50,000 फाइनेंस एंड इट्स इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू रेज 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, इट मीन्स 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. तो उसको 250 मिल जाएगा, ठीक है. सेकेंड बोल रहा है टू बोरो 2,50,000 एट 8% इंटरेस्ट, राइट, इट मीन्स लोन 2,50,000 एट द रेट ऑफ 8%. तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा 20,000, 2,50,000 इंटू. तीसरा आपको बोल रहा है फ्रेंड्स टू इश्यू 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 2,500 ईच, इट मीन्स 2,50,000, दिस इज अ प्रेफरेंस शेयर्स, और उस पर आपको 8% क्या देना है, डिविडेंड, ठीक है. द फर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आप जरा ये ध्यान रखिए, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना पड़ेगा कि आपका जो EBIT है आफ्टर
प्लीज अंडरलाइन दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट ईबीआईटी आपका ईबीआईटी हो जाएगा रुपीज 312,500। इज दिस क्लियर और नॉट फ्रेंड्स? प्रेजेंट आपका है 1,00,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, आपको फंड चाहिए 250। मैंने आपको क्या बताया, एग्जिस्टिंग है ये, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां पे न्यू फंड न्यू कंपनी थी, यहां पे एग्जिस्टिंग कंपनी है। ऑल्टरनेटिव वन 2,500 एट द रेट ऑफ 10, 2,50,000 का। ऑल्टरनेटिव टू लोन ले सकते हैं 250 का, 8% 20,000 लगेगा। 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे 8% के हिसाब से, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका 312,500। फाइंड द इफेक्ट ऑन द अर्निंग पर शेयर अंडर द थ्री फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, आपको ईपीएस निकाल के बताना है। डिसीजन किसके ऊपर रहेगा, डिसीजन रहेगा ईपीएस के ऊपर, आपको ईपीएस निकालना है, ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट showing EPS, alternatives 1, 2, 3, EBIT all figure in rupees, 312,500 माइनस इंटरेस्ट, सेकंड ऑप्शन में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, निकाला था नोट नंबर वन रेफर करिए 20,000, दिस इज नोट नंबर वन, नील। अर्निंग बिफोर टैक्स 392,500 देन टैक्स, क्या टैक्स अपने को दे रखा है फ्रेंड्स? इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट इज 50%, इट मींस ये आपका आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इट मींस 312,500 × 50% इज 156,250, और यहां पे भी 156,250, 156,250, 292,500 / 2, 146,250, 146,250. Say yes or no. Less preference dividend refer note number 1, 8,000 preference dividend, preference dividend अपने को दे रखा 8% of 2,50,000, 8% of 250 is 20,000. This is your earning available to equity share holder, earning available to equity share holder 156,250, 146,250 and 136,250 divided by number of shares, आपके old shares से 1,00,000 और आपने न्यू शेयर इशू किए 25,000 दे रखा ना ऑप्शन वन में, नोट वन में मैंने आपको बताया था, दिस इज नोट नंबर
1, इट मींस कितना हो गया 125। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं है तो 1 लाख, यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं है तो 1 लाख। अब आपको निकालना है ईपीएस। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका ईपीएस हो जाएगा, सपोज आपका ईपीएस हो जाएगा 156250 डिवाइडेड बाई 125,000 इज 1.25। दूसरे में 146250 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज 1.46। ये आपको यहीं लिखना है, मेरे पास प्लेस नहीं है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। एंड 136250 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज 1.3625। सही आंसर नो फ्रेंड्स। एक में आपका रहा है 1.25, 1.46 एंड 1.3625। बोलो यस और नो फ्रेंड्स। क्या किया था अपन ने, ईबीआईटी आपको दे ही रखा है, तीन ऑल्टरनेटिव थे 1, 2, 3। इंटरेस्ट फर्स्ट केस में नहीं है, सेकंड में बोल रहा है 8%, 2,50,000 का, वो नोट नंबर 1 में अपन ने निकाला था। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस करो अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, नाउ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, आपका ईपीएस आ जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। सही आंसर। ये ओल्ड कंपनीज हैं, ऑलरेडी इनके पास है, ऑलरेडी दे हैव लाइक यू नो मनी एंड दे वॉन्ट सम एक्स्ट्रा मनी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा वो आपको देखना है। सही आंसर नो फ्रेंड्स। आईसीआई मॉड्यूल हम लोग पूरा कवर अप कर रहे हैं, प्लीज यू जस्ट सी करके ना। सही आंसर नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर, कैन वी गो नाउ? यू रिफर क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 5.16। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 5.16। ओल्ड कंपनी ऑलरेडी बिजनेस में है और अपने को एडिशनल फंड चाहिए, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 5.16। ऑलराइट फ्रेंड्स, स्टार्ट करें क्वेश्चन 12, फाइव बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड। ओके, पहले नोट नंबर 1, दिस इज गिवन बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड ने। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हैज ए पेड अप कैपिटल 100 लाख और 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच। इसका मतलब एट प्रेजेंट उनके पास है 100 लाख का कैपिटल है, इसका मतलब 10 लाख शेयर हैं और एक शेयर का वैल्यू है 10, इसका मतलब 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़, 100 लाख, राइट? बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ 100 लाख, 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10। करेंटली इट इज अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स 60 लाख, इसका मतलब इसका ईबीआईटी करेंटली इट इज अर्निंग एनुअल प्री टैक्स 60 लाख रुपीज, ये 60 लाख रुपीज कमा रही है कंपनी एट प्रेजेंट। द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड एंड आर कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 to 80, इसका मतलब उसका जो मार्केट प्राइस है शेयर का, दिस इज बिटवीन 50 to 80।
बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड ए प्रॉफिट। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ने में ना मैक्सिमम टाइम लगाइए, जितना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना उतना आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ 100 लैक्स, 10 लैक्स ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच, करेंटली इट इज एनुअल प्री टैक्स इज 60 लैक, द कंपनी शेयर आर लिस्टेड आर कोटेड इन रेंज ऑफ 50 to 80। द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डाइवर्सीफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 50 लैक्स। इसका मतलब इनको 50 लाख के प्रोजेक्ट की जरूरत है। कितना पैसा चाहिए? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, कितना फंड चाहिए बोलो बोलो, कितना फंड चाहिए? 50 लैक्स, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्री टैक्स इनकम 40 लैक्स पर एनम। इसका मतलब उससे अपने को EBIT मिलेगा 40 लैक्स। अब मतलब पुराना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये 60 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, नया कितना मिलेगा ऑन 40 लैक्स। एक्सपेक्टेड प्री अप्रूव्ड 50 लैक्स, इनकम 40 लैक्स। टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। पहला, ए बी एंड सी, टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर एंटायर एडिशनल अमाउंट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू शेयर फेस वैल्यू 10 कैन बी सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 15। इसका मतलब 10 का फेस वैल्यू, 15 प्रीमियम, दिस इज द फेस वैल्यू, दिस इज द प्रीमियम एंड टोटल 25। इसका मतलब 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 25 आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 20,000, और आपके ओल्ड शेयर थे 1 लैक, तो ऑल्टरनेटिव 1 में आपके नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 1,20,000। टू इशू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, इट मींस NCD नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एट द रेट ऑफ 16%। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका हो जाएगा, इट मींस 50 लैक्स इंटू 16% इज ₹8 लैक्स। ठीक है, टू इशू इक्विटी कैपिटल 25 लैक्स एंड 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। इन दिस केस द कंपनी कैन इशू शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹40। ठीक है, 16 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, 25 लाख का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 25 लैक्स, उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एट द रेट ऑफ 16%, इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 25 लैक इंटू 16% एंड दिस कम्स टू ₹4 लैक्स। इन बाकी का टोटल चाहिए 50, बोलो 50 में से हमारा NCD नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया 25, बैलेंस बचा 25। अब एक शेयर 10 का है लेकिन 40 प्रीमियम है, ₹50 का हो जाएगा, तो आपके 50,000 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे 25 लैक्स के लिए। 25 लैक्स डिवाइडेड बाय 50 एंड दिस कम्स टू 50,000। एडवाइज विच ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल टू रेज द एडिशनल कैपिटल कीपिंग इन माइंड दैट द मैनेजमेंट वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर एंड मेंटेन इट्स गुडविल। द कंपनी इज पेइंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है कंपनी का, कंपनी का टैक्स रेट है एट द रेट ऑफ 50%। पहले कंपनी कमा रही थी 60 और एडिशनल कंपनी कमाएगी 40 बिकॉज ऑफ दिस 50 लैक्स। सही है सोनो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए वन बाय वन। प्रेजेंट
1 लाख 10 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10, 1 करोड़ हो गया आपका, सो यस नो फ्रेंड्स। प्रेजेंट ईबीआईटी है 60 लाख, मार्केट प्राइस है 50 to 80 के बीच में, अपने को फंड चाहिए 50 लाख टोटल एज ए फाइनेंस मैनेजर। ये 50 लाख से हम कितना कमा लेंगे और 40 लाख। पहला ऑप्शन है 100% इक्विटी, एक शेयर कितने में, 10 रुपये का शेयर है और 15 प्रीमियम 25, इट मीन्स 20,000, 1 लाख ओल्ड शेयर है, 1,20,000। एनसीडी इंटरेस्ट कॉस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पूरा की पूरा 16% के हिसाब से, एनसीडी 25 लाख का, तो इंटरेस्ट आपका आएगा 4 लाख और इसका 25 में से बैलेंस जो बचा वो 40 रुपीज आपका प्रीमियम पे आप इशू कर दीजिए। तो ये वाला पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने गिवन करके लिख लिया ना, अगर गिवन करके लिखा तो ही आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू आर फ्रॉम दानी की कोचिंग। वाइफ को बोलेगा आई वॉन्टेड टू गिव यू द ट्रीट टूडे, वाई आई हैव सीन द सोल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी, एकदम सिंपल हो गया। अब आपको क्वेश्चन को रीड या गिवन, जब सी ए फाइनल में आप आओगे ना तो हम बहुत बड़े बड़े कॉस्टिंग में केस स्टडीज करते हैं, तो पहले गिवन करके लिख लेते हैं। अब आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटेगा नहीं, कोई कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, हर जगह आपको क्या दिखाना है, नोट नंबर 1। ये नोट नंबर 1 आप दिखा दोगे आपका काम हो जाएगा। तो अब ई बी आई टी कितना हो गया, 60 + 40 इज ए 1 crore, ई बी आई टी कितना हो गया आपका 1 करोड़। उसमें से पहले वाले ऑप्शन में देर इज नो इंटरेस्ट, एट प्रेजेंट में भी नहीं था और अभी नहीं था। दूसरे वाले ऑप्शन में आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा 8 लाख, तीसरे वाले में इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा 4 लाख, आपका 1 करोड़ आएगा। फिर आपका ये माइनस होके आएगा, ये माइनस होके आएगा, माइनस टैक्स करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे आपका 10,20,000, तो ये सॉरी आपका 50 लाख डिवाइडेड बाय 25, आपके 2 लाख शेयर इशू होंगे और 10 लाख अपने पास ओल्ड शेयर थे, तो ये आपके हो जाएंगे 12 लाख। ओके, यहाँ पे आपके जो ओल्ड शेयर थे 10 लाख वही के वही रहेंगे और यहाँ पे आपके 10 और नए शेयर इट मीन्स 25 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, इट मीन्स 10,50,000 शेयर आपके हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपके 2 लाख नए शेयर, 10 लाख ओल्ड शेयर, 12 लाख हो जाएंगे, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है और यहाँ पे और 50,000 शेयर बढ़ रहे हैं तो आपके आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? 50,000 और ओल्ड आपके थे तो 10,50,000 शेयर आपके हो जाएंगे। सब कुछ तो आपको दे ही रखा है करके ना, आ जाइए आप। इट मीन्स फाइनल आंसर स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस, ऑलराइट। पहला आपके प्लान से ए पूरा इक्विटी है, बी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, सी एनसीडी प्लस इक्विटी। यू कैन रेफर फॉर दैट के लिए नोट नंबर 1। पहला ईबीआईटी ओल्ड रुपीज 60 लाख, रुपीज 60 लाख, रुपीज 60 लाख लेस इंटरेस्ट, सॉरी एडिशनल आपका आएगा ना फ्रेंड्स, आप जो पैसा कमाओगे उससे, दिस इज ईबीआईटी न्यू 40 लाख, 40 लाख
40 लैक्स, ओके, लेस, ये आपका टोटल हो गया अर्निंग, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट प्रेजेंट नील, इट मीन्स यहाँ पे रिफर नोट नंबर 1 8 लैक्स और यहाँ पे रिफर नोट नंबर 1 4 लैक्स। ये कहाँ कैलकुलेट किया है हमने, यू कैन रिफर नोट नंबर 1, ये आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, इट मीन्स 1 करोड़, इट मीन्स 92 लैक्स और इट मीन्स 96 लैक्स पे टैक्स। व्हाट इज द टैक्स रेट, 50%, 50 लैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50 लैक्स, 92 डिवाइडेड बाई 2 इज 46, 46, 96 डिवाइडेड बाई 2 इज 48, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स एंड फॉर दैट के लिए यू रेफर नोट नंबर 1। फर्स्ट में आपका 12 लैक्स, 2 लैक्स न्यू शेयर्स, 10 लैक्स ओल्ड शेयर्स, इसमें नो चेंज, 10 लैक ओल्ड शेयर्स प्लस 50,000 न्यू, 10 लैक 50,000 एंड दिस विल बी योर EPS, इट मीन्स 50 लैक्स डिवाइडेड बाई 12 लैक्स इज 4.17, 46 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैक्स इज 4.6 एंड 48 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैक 50,000 इज 4.57, सही आंसर। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स? प्रॉपर नहीं रिवाइज? अपना ओल्ड अर्निंग है 60 लैक्स, 60 लैक्स, 60 लैक्स, न्यू अर्निंग अपना बिकॉज ऑफ न्यू वेंचर 40, इंटरेस्ट फर्स्ट वाले में है नहीं, सेकंड में रिफर नोट नंबर 1, रिफर नोट नंबर 1, ये आपका EBIT, ये आपका टैक्स, देन अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स और ये आपका EPS। Say yes or no, friends. All right, friends. ये अपन चल रहे कि एग्जिस्टिंग अगर अपनी कंपनी है, एग्जिस्टिंग अगर अपनी कंपनी है और अगर अपने को पैसे की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, 4.17, 4.6 एंड 4.57। एडवाइस विच ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल टू रेज द एडिशनल कैपिटल कीपिंग इन माइंड द मैनेजमेंट वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर। तो आपका अर्निंग पर शेयर कहाँ पर आ रहा है, पहले में आ रहा है 4.17 बिकॉज 50 लैक्स डिवाइडेड बाई 12 लैक्स इज 4.17, 4.6 एंड 4, इसका मतलब बेस्ट आपका क्या रहेगा, बेस्ट आपका रहेगा 4.6। दिस इज द बेस्ट पार्ट। सही है, सुनो
परफेक्ट। चले नेक्स्ट, अब आप ले लीजिए इलस्ट्रेशन 14 एंड योर पेज नंबर 5.18। इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 5.18, इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 5.18। कैन वी स्टार्ट फ्रेंड्स? द फॉलोइंग डाटा आर प्रेजेंटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 52 लैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस, पी रेशो आपको दे रखा है। पी रेशो होता है फ्रेंड्स, दिस इज योर पी डिवाइडेड बाई ई। आपको रेशो एनालिसिस के टाइम पे बताएंगे। पी रेशो मीन्स योर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, वो आपको दे रखा है। मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर आपको क्या दे रखा है? एट प्रेजेंट 10। मार्केट प्राइस आपका है, मार्केट प्राइस है आपका 25 एंड ईपीएस है आपका 2.5। इसके लिए आपका पी रेशो क्या निकल के आया? 10। द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ए टोटल कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज 40 लैक्स। कंपनी को कितना पैसा चाहिए? तो ये आपको क्लियर हुआ पी रेशो। पी रेशो मीन्स आपका मार्केट प्राइस है, आपका ईपीएस है। मार्केट प्राइस आपको 25 दे रखा है, ईपीएस आपका 2.5 है, तो आपका पी रेशो क्या हो जाएगा? आपका पी रेशो होगा 10। वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब क्या बोला है? कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैपिटल आउटले ऑफ 40 लैक्स। कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 40 लैक्स। ठीक है, यू आर इन्फॉर्म दैट इफ द डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट डिवाइडेड बाई डेप्ट प्लस इक्विटी, ये भी आपको रेशो के टाइम पे बताएंगे। डेप्ट डिवाइडेड बाई डेप्ट प्लस इक्विटी, ये आपका रेशो है, इसको बोलते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट डिवाइडेड बाई डेप्ट प्लस इक्विटी इज हायर देन 35। अगर ये 35% से ज्यादा हो गया पुसेस, देन केई अप 12.5 मींस रेड्यूसिंग द पी रेशो आपका हो जाएगा 8। अगर आपका ये 35% से ज्यादा रहा, हायर देन 35%, 35% से ज्यादा रहा, तो आपका पी रेशो क्या हो जाएगा? बोलो, पी रेशो आपका हो जाएगा 8, जो कि अभी एट प्रेजेंट क्या था? 10। एंड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल आपको क्या लगेगी? 14%। जो आप लोन लेंगे उसका 14% आपको लगेगा। फाइंड आउट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ दिस शेयर इफ द एडिशनल फंड आर रेज्ड एज ए लोन, द अमाउंट ऑफ इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 1.2 CR। 1.2 CR, व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? यू नो रिटेन अर्निंग क्या होता है? कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से जो डिविडेंड माइनस करके जो पैसा बचेगा उसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट जो आपने कमाया है उसमें से डिविडेंड माइनस कर दो, जो बैलेंस शीट में ले जाओगे उसको क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। अब देखिए वन बाई वन, ठीक है। एट प्रेजेंट आप कितना कमा रहे हो फ्रेंड्स? दिस इज योर नोट नंबर वन। करेंट आपका EBIT है, करेंट आपका EBIT है रुपीस 52 लैक्स। ओके, लेकिन ये 52 लैक्स आप कितने पैसे पे कमा रहे हो? इट मींस व्हाट इज योर, दिस इज प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? योर कैपिटल एम्प्लॉयड पहला, इंटरेस्ट इट मींस डिवेंचर, डिवेंचर है आपके 12%। इसका मतलब हो गया अगर आप 12 लाख रुपीस इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इनटू 100 बाय 12 एंड दिस कम्स टू 1 करोड़। 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू 100 इज ए 1 करोड़। ठीक है,
फिर आपका है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल आपका कितना है 8 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज का एक शेयर है, आपका हो जाएगा 80 लाख एंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग आपको दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस आपके हैं 1 करोड़ 20 लाख। इसका मतलब एट प्रेजेंट आपका 100 प्लस 80 प्लस 120 मीन्स 3 करोड़ रुपीज आपका लगा हुआ है। गो आराम से, एक एक पॉइंट को आप आराम से समझिए। ईबीआईटी आपका 52 लाख रुपीज, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था 12 लाख विच इज 12%, इसका मतलब 1 करोड़। इक्विटी कैपिटल 8 लाख इंटू 10 80 लाख एंड देन आपका 1 करोड़ 20 लाख इज योर रिटेन्ड अर्निंग। ओके, तो अब आपका नया ईबीआईटी क्या आ जाएगा, आपका न्यू ईबीआईटी क्या आ जाएगा, इट मीन्स ईबीआईटी न्यू अपन डायरेक्टली ले सकते हैं, तो परसेंटेज से जा सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। 52 लाख इज फॉर 3 करोड़ इनटू, अब आपको पैसा कितना चाहिए 40 लाख, इट मींस नया आपका हो जाएगा फंड, न्यू फंड आपका हो जाएगा 3 करोड़ प्लस 40 लाख इज 3 करोड़ 40 लाख। ऑलराइट, तो 3 करोड़ 40 लाख पे आपका अर्निंग क्या आ जाएगा, आपका न्यू ईवीआईटी आएगा 52 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 340, इट मींस दिस कम्स टू, इन्होंने परसेंटेज फॉर्म में किया है राइट, परसेंटेज फॉर्म में भी अपन कर सकते हैं कि भाई 52 लाख है इस किसके लिए 3 करोड़ इंटू 100, ये आपका ईबीआईटी आपका मार है। तो अगर आप 40 लाख और ज्यादा लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, इट मींस 52 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, दिस कम्स टू 17.333333%। अब आपका नया ईबीआईटी क्या हो जाएगा, ईबीआईटी न्यू 17.33% ऑफ 3,40,000, थ्री करोड़ 40 लाख। सो दे आर टेकिंग 58,92,200, 3 करोड़ 40 लाख इंटू 17.33, 3 करोड़ 40 लाख इंटू 17.33% इज 58,92,200, 58,92,200, 58,92,200, से यस ऑन ऑफेंस। आगे अब ये अपना हो गया डेप्ट, अपना हो गया दैट, अभी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, इट मींस डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। डेप्ट हमारे पास पहले का डेप्ट था हमारे पास 1 करोड़ और नया डेप्ट हो जाएगा 40 लाख, इट मींस 1 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोड़ 40 लाख इंटू 100, 140 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, दिस कम्स टू 41.41
41.18%, इसका मतलब दिस इज मोर देन 35%, तो आपका पी रेशो यहां पे आ जाएगा कम डाउन टू, पी रेशो कम डाउन टू 8, ओके पी रेशो आपका क्या हो जाएगा कम डाउन टू 8। अच्छा दूसरा, हमको पैसा कितना चाहिए 40 लैक्स, तो इक्विटी वाले ऑप्शन में मेरा मार्केट प्राइस क्या है शेयर का 25, तो मुझे नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 25 इज 1,60,000, मतलब मेरे ओल्ड शेयर तो रहेंगे ही रहेंगे 8 लैक्स प्लस 1,60,000। इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहला ऑप्शन आपका क्या है कि आप लोन ले लो, तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एडिशनल पे, और अगर आप इक्विटी में जाते हो तो आपको 1,60,000 शेयर आपको नए इशू करने पड़ेंगे, 1,60,000 शेयर। ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स? नाउ यू प्लीज टेल मी वेदर दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट, एक एक पॉइंट आप जरा समझ ले, आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग डाटा आर प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 52 लैक्स, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग दे रहे हैं 12 लैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, EPS, PE ratio. The company is planning to start a new project requiring a total capital outlay of 40 lakhs. Company को कितना पैसा चाहिए? Additional 40 lakhs. You have to inform that the debt equity ratio, it means debt divided by debt plus equity higher than 35%, possesses the KE up 12.5, means reducing the PE ratio 8 and raises the interest rate on additional amount 14%. अब आपका जो नया लोन है, नया जो लोन है वो कितने का रहेगा 14%। फाइंड आउट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर, आपको प्राइस निकालना है, इसका मतलब ये जो मैं कमा रहा हूँ 52 लैक्स वो किसके ऊपर कमा रहा हूँ। तो देखो 12 लाख मैंने डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया विच इज 12%, 1 करोड़ तो मेरा क्या हो गया डिवेंचर, इक्विटी कैपिटल मेरा कितना हो गया 8 लैक्स, रिटेन अर्निंग मेरा कितना हो गया ये टोटल मेरा ये हो गया, तो न्यू फंड कितने होंगे, इट मीन्स 3 करोड़ प्लस 40, इट मीन्स 3 करोड़ 40 लाख, EBIT या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 52 लाख अगर अर्न कर रहे हैं फॉर 3 करोड़, तो 3 करोड़ 40 पे कितना होगा, या फिर आप परसेंटेज फॉर्म में भी जा सकते हैं कि 52 अपन कमा रहे हैं ऑन 3 करोड़, तो व्हाट इज द परसेंटेज दिस, तो 3 करोड़ 40 लाख पे कितना होगा ये। अब डेप्ट प्लस डेप्ट इक्विटी रेशियो आपने चेंज किया, चेक किया, डेप्ट 1 करोड़ का पहले डेप्ट था, 40 लैक्स का और लिया, तो 1 करोड़ 40 लैक्स डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ रहा है 41.18, इसका मतलब 35% से ज़्यादा है, तो आपका पी रेशो क्या हो जाएगा 8। ये आपका रहा लोन ऑप्शन। दूसरा, अगर आप इक्विटी में जाते हैं तो इक्विटी में क्या होगा 4 लैक्स डिवाइडेड बाई 25, 1,60,000 आपके शेयर्स हो जाएंगे। दिस पार्ट इज क्लियर नॉट फ्रेंड्स? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको DKC का यहीं से पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपका गिवन पार्ट कितना प्रॉपर है, आपको यहां से पता चलेगा, आपका जो गिवन पार्ट है वो आपको यहां से पता चलेगा। ऑलराइट, करें अपन सॉल्व, आ जाइए आप, क्या बोल रहे हैं, द एडिशनल फंड आर रेस्ड एज लोन, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, एडजस्ट मार्केट प्राइस पे लेंगे ना, स्टेटमेंट शोइंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पहला आपका रहेगा
लोन्स, ऑप्शंस वन लोन्स, टू इक्विटी। ईबीआईटी आपका न्यू ईबीआईटी आ रहा है 58,92,200। कैसे निकाला था? रिफर नोट नंबर वन। ईबीआईटी आपका आ रहा है 58,92,200। सही है, आप सब कुछ आपको नोट नंबर वन में आपने दे दिया। अब आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स माइनस इंटरेस्ट, पहला ओल्ड इंटरेस्ट, वो तो दोनों में लगेगा आपका, एग्जिस्टिंग फंड है ना, तो दोनों को आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। पहला लगेगा 12 लैक्स, कितना लगेगा 12 लैक्स। अब न्यू में क्योंकि आप लोन से पैसा ले रहे हो तो आपको न्यू इंटरेस्ट लगेगा। आप ले रहे हो ना फंड, कितने का फंड लिया है आपने? 40 लाख का। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 14%। इट मीन्स 5,60,000। 14% ऑन 40 लैक्स, ये आपका हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। सही है सुना भाई, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 58,92,200 माइनस 12 लैक्स माइनस 5,60,000, 41,32,200, 41,32,200, 58,92,200 माइनस 46,92,200। आपके मॉड्यूल में मिस्टेक है, मॉड्यूल का जो सॉल्यूशन है उसमें मिस्टेक है, तो आप चेंज कर लेना इसको ना। देन टैक्स 50%, फोर्टी वन थर्टी टू टू हंड्रेड का 50%, 20,66,100, 20,66,100, 46,92,200 का 50% इज 23,46,100। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया इंस्टीट्यूट ने, वो जरा आप देख लेना मॉड्यूल में ना। दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स विल बी 20,66,100 एंड 23,46,100। सही है सुनो फ्रेंड्स, ऑल राइट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो इसमें तो आपके ओल्ड शेयर ही आ जाएंगे क्योंकि नो चेंज है, पूरा लोन से ले रहे हैं हम लोग। और इसमें आपके 8 लैक्स प्लस जो नए शेयर इशू किए हैं, बराबर है, नए शेयर आपने इशू किए हैं 40 लैक्स डिवाइडेड बाई 25, 1,60,000। रिफर नोट नंबर वन। नोट नंबर वन में तो अपन ने सब डिटेल्स दे ही दिया है करके ना।
इट मीन्स 9,60,000। तो आपका ईपीएस आ जाएगा 2066, 100 डिवाइडेड बाय 8 लैक्स इज 2.58 एंड 2346, 100 डिवाइडेड बाय 9,60,000 इज 2.44। ओके, तो मार्केट प्राइस इट मीन्स 2.58 इंटू पी रेशो क्या है 8, तो 2.58 इंटू 8 20.64 और इंटू व्हाट इज द पी रेशो, पी रेशो इज 10, सो 24.44 पी रेशो दे रखा है नोट नंबर 1 में। ओके, इट मीन्स ईपीएस इंटू पी रेशो विल गिव यू द मार्केट प्राइस। इट मीन्स आपका मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस इक्वल टू पी रेशो होता है ना, तो पी रेशो इंटू ईपीएस आपको क्या देगा, मार्केट प्राइस। तो डिसीजन दो द लोन ऑप्शन हैज ए हायर ईपीएस बट इक्विटी ऑप्शन हैज हायर एमपीएस, देयरफॉर कंपनी शुड रेज एडिशनल फंड थ्रू इक्विटी ऑप्शन। फिर हम अगर ईपीएस और मार्केट प्राइस में तो अपन क्या देखेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना रहता है, तो अपना मार्केट वैल्यू अगर बढ़ रहा है शेयर का तो अपन उस ऑप्शन में जाएंगे। दिस पार्ट इज क्लियर ऑन फ्रेंड्स, प्लीज टेल मी। EBIT आपने नया निकाल दिया, लेस इंटरेस्ट जो ओल्ड थी वो माइनस कर दी, इंटरेस्ट जो न्यू थी वो माइनस कर दी, आपका ये आ जाएगा, टैक्स आप माइनस करो, EBT आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, EPS आ जाएगा, EPS मार्केट प्राइस निकालने के लिए EPS को पी रेशो से ये फॉर्मूला में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। और विच ऑप्शन इज बेटर लाइक दिस वन, जस्ट गो थ्रू, इन केस एनी प्रॉब्लम यू प्लीज आस्क मी। हाँ फ्रेंड्स, ऑलराइट फ्रेंड्स,